हाय एवरीवन, मैं हूं नंदिता और आप सबका स्वागत है नंदिता's किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जबरदस्त आलू और अंडा करी की रेसिपी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आलू और अंडे की करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 अंडे ले लिए। अंडे को उबाल के यहाँ पे छिलका निकाल लिए। अंडे को यहाँ पे बीच में नाइफ से ऐसे ही चीरा लगा दे, उससे नमक और मसाले जो है वो अंडे में अच्छी तरह से मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 6 ऐसे ही मीडियम साइज आलू को उबाल लिए। उबाल के आलू का छिलका निकाल लिए। आलू को आप ऐसे ही छोटे टुकड़ों में काट लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अंडे में और आलू में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको मिला देंगे। यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को अंडे के साथ और आलू के साथ अच्छे से कोट कर ले। अब हम सबसे पहले इंडक्शन में एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो जाएगी, हम यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच करीब तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम हो जाने दे। जब यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, हम यहाँ पे चारों अंडों को तेल में डाल देंगे। उसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे अंडों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि ऊपर का लेयर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडे के ऊपर जो है वो गोल्डन सी कलर आ गई है। हम यहाँ पे अंडों को इतना ही पकाएंगे। यहाँ पे अंडे जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम यहाँ पे अंडे को निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं आलू के फ्राई करने के प्रोसेस में। यहाँ पे जो तेल हमारी बची है, हम उसी में आलू को फ्राई कर लेंगे। इसी तेल में आप यहाँ पे आलू को डाल दें और मिलाते हुए हम यहाँ पे आलू को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद जब हमारी आलू थोड़ा सा पक जाएगा, हम यहाँ पे आलू को निकाल देंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज और 6 हरी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ पेस्ट बनाने में। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च को स्किप करें। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट को तेल में मिलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। 5 मिनट बाद जब प्याज का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा, हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ मिलाते हुए यहाँ पे 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। जब अदरक लहसुन अच्छे से पक जाएगा, यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। मिला दे यहाँ पे टमाटर पेस्ट को प्याज और लहसुन के साथ में। अब हम यहाँ पे सूखे मसाला डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे, 1/4 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दे और 1/4 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दे। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पे ढक के सारे मसालों को 7 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे हमारा 7 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन को निकाल देंगे और एक बार देख लेंगे मसाला अच्छे से पकाए कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। सारे मसालों को एक बार आप ऐसे ही मिला दें। अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 2 कप करीब पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप यहाँ पे कम पानी का इस्तेमाल करें। अब हम ग्रेवी में आलू डाल देंगे, जो आलू हम ऑलरेडी फ्राई करके रखे थे। मिला दे आलू को ग्रेवी में एक बार अच्छे से। फिर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को ग्रेवी में अच्छे से एक बार मिला दे।
अब हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक के यहाँ पे ग्रेवी को कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ग्रेवी में जो है वो अच्छे से एक उबाल आ चुकी है। ग्रेवी को एक बार अच्छी तरीके से मिला दे। अब हम ग्रेवी में जो फ्राई किए हुए अंडे हैं वो डाल देंगे। फिर एक बार हम कढ़ाई को ढक देंगे और यहाँ पे अंडे के साथ ग्रेवी को 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट हमारा हो चुका है। ग्रेवी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के तैयार है। लास्ट में यहाँ पे हम 1/4 छोटी चम्मच करीब गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला को ग्रेवी में अच्छे से एक बार मिला दे और अब हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे। बनके तैयार है यहाँ पे आलू और अंडा का करी। तो हम यहाँ पे आलू और अंडे के करी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। सर्विंग के लिए यहाँ पे एक बोल में निकाल दें। आप इस करी को चावल के साथ या फिर रोटी के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छी जाती है। आप अपने घर में इस आसान आलू और अंडे करी को ट्राई करें, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।